जहां जीत के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंचे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को जीत को लेकर कहा कि ये जीत रायबरेली की जनता को जाती है। मतगणना स्थल पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे जिससे बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लगभग 4 लाख मतों से बढ़त बना के उन्होंने जीत दर्ज की है। हमारे साथ रायबरेली के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। इस जीत को किस तरह से देखते हैं? इस जीत को हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि अहंकार जो होता है उसका नाश कैसे किया जाता है। जैसे रावण का अहंकार का नाश हुआ, वैसे ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये बताया कि असली राम कौन है और रावण कौन है। राहुल गांधी की मेहनत। ये क्या बोलते हैं? मेरा नाम मोहम्मद राशिद अंसारी, नेता शहर कांग्रेस। देखिए, ये जीत सिर्फ राहुल जी की जीत नहीं है, ये जीत रायबरेली की जनमानस की जीत है और सबसे बड़ा बाबा साहब का प्रतीक संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से ये सरकार लोकतंत्र को उचल करके सत्ता हासिल कर रही थी अपने धन बल के रूप में, लेकिन राहुल गांधी ने और जनता ने बता दिया धन बल से नहीं जन बल से सरकार चलेगी। ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है, क्या बतलाऊं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा, रायबरेली के राहुल, राहुल की रायबरेली। जिस तरह से जीत रायबरेली की हुई, लगभग 6 लाख कुछ हजार मत पाए और 4 लाख लगभग 4 लाख मतों से उनकी जीत हुई है, इसका श्रेय किसे जाता है? ये रायबरेली की जनता को या यहाँ की देवतुल्य जनता को श्रेय जाता है, क्योंकि रायबरेली से जो है गांधी परिवार और कांग्रेस का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, ये एक पारिवारिक रिश्ता है, ये कर्म भूमि है। यहाँ जब जलजला तूफान आंधी बताई जा रही थी तब भी रायबरेली कांग्रेस को जिताती थी, आज तो राहुल गांधी जी के रूप में देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। जय हिंद जय भारत। आपको 400 पार क्यों चाहिए था? क्या संविधान बदलना था? बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर बार बार कहा कि मुझको संविधान में संशोधन करना है, जनता ने उसका सही जवाब दिया है, बिल्कुल भी बहुमत से बाहर कर दिया है, रेस से बाहर कर दिया है। राहुल जी दोनों जगह से बंपर वोटों से जीते हैं, ऐतिहासिक जीत हुई रायबरेली की और रायबरेली की जनता बिल्कुल खुश है। राहुल जी के हाथों में वो हाथ चूमना चाहती है, वो यहाँ पे मिलना चाहते हैं उनसे और राहुल जी ऐतिहासिक जीत है। इस जीत का श्रेय रायबरेली की जनता को देंगे। इस जीत का श्रेय ये हिंदुस्तान की जनता की जीत है, ये आवाम की जीत है। जिस तरह से रायबरेली में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है, लगभग 4 लाख मतों से जीत हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है, फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है। उनका कहना है कि इस जीत का श्रेय यहाँ की जनता को जाता है और राहुल प्रियंका गांधी को जाता है। आगे हमारे साथ बने रहे सोनू एक्सप्रेस न्यूज भारत रायबरेली।